सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद जिले के उचाणा में, और उचाणा में हमारे साथ महिला है, इसका नाम हम नहीं बताएंगे आपको और इसकी पहचान भी नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि इस महिला के आरोप है कि जो इनके पड़ोसी है तो इनके पड़ोसी इनको लगातार बार बार तंग कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं और भी रेप वगैरह की कोशिश इनके साथ की गई है। तो आरोप ये है कि जो पड़ोसी है तो उनके खिलाफ इन्होंने FIR करवाई थी पुलिस में, लेकिन पुलिस प्रशासन आरोपी को ना उठाकर, मतलब पीड़िता को ही तंग कर रहा है, बार बार इनको परेशान किया जा रहा है, बार बार टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। पुलिस प्रशासन इसलिए होता है कि वो जनता की मदद करे, इसलिए नहीं होता कि वो जनता को परेशान करे। तो सारा मामला क्या है तो मैम से जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। नमस्ते मैडम जी। मैडम, मैं अपने मकान में काफ़ी सालों से रह रही हूँ, मैं विडो हूँ, धर्म पे रह के अपने बच्चे पाल रही हूँ, मगर फिर भी मेरे को दुनिया जीने नहीं देती, मेरे को रहने नहीं देती यहाँ पे। वो सोचती हैं ये बराबर वाला मकान हमारा भी क्या था, ये कुछ महंगा भी क्या। इसकी वजह से दोनों पड़ोसी मेरे, दोनों तरफ के पड़ोसी मेरे को बुरी तरह तंग करते हैं और घर से निकाल देना चाहते हैं कि हम इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। मेरा एक बेटा है, वो बेचारा पढ़ता है, वो भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है इन सब बातों से, बहुत ज़्यादा। बराबर में जो लेडीज़ है वो बार बार बुरा इल्ज़ाम भुगतने की धमकी देती है, और जो ये सुरेश सन ऑफ रूपचंद है, ये मेरे को इतना गंदा बोलता है, इतना गंदा बोलता है कि मैं एक शब्द भी आपको इसका नहीं बता सकती, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग है सिर्फ मेरे पास है, और ना कोई पड़ोसी मदद करता 1% भी। वो कहते हैं कि भी थाना ही कर सकता है तेरी मदद है। फिर मैंने थाने में एप्लीकेशन दी, अनिल और एक और उनके साथ थे, अनिल चौकी में थे जो जाना थाने में, बिल्कुल मैंने सिर्फ ये कह के दी थी कि मैं एप्लीकेशन देने तो आ गई, बट वो FIR दर्ज करने लगे। मैंने कहा रहने तो, सिर्फ पड़ोसी को रोक देना, मैं नहीं चाहती, उनके भी छोटे बच्चे हैं, हमारे आपस में डिस्प्यूट और ज़्यादा बढ़े, और प्लीज़ सिर्फ उसको रोक देना। मेरे को बिल्कुल गंदा बोलते हैं वो, बिल्कुल इतना गंदा बोलते हैं मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकती, और मेरा मकान भी तोड़ने की कोशिश करे, कभी ऊपर जाके थोड़े मारते हैं कभी कुछ है, बट मकान की तो देखी जाएगी, पहले उनको रोक दो जो मेरे को बार बार टॉर्चर करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। विकास सन ऑफ सुरेश, वो भी मेरे को गंदी गंदी गालियाँ देता है, और जो सुरेश सन ऑफ रूपचंद है वो भी मेरा बुरा हाल करता है, और प्रीति बार बार मेरे को बुरा इल्जाम भुगतने की धमकी देती है और वो भी गालियाँ देती है मेरे को। कभी कहते हैं कि आपके पर्सनल पार्ट में बांस दे के मारेंगे आपको, पहले रेप करेंगे फिर ऐसा करेंगे, और फिर यदि आप, तेरा बेटा आएगा ना तो तेरे को इस हालत में देखेगा, वो तो वैसे ही अधमरा हो जाएगा, यदि नहीं हुआ तो हमारी जो बहू है इससे उसके ऊपर ब्लेम लगवा देंगे, मान लो तेरे परिवार वालों के ऊपर, कोई तो आएगा तेरे परिवार का तेरे को संभालने, ऐसी हालत करेंगे तेरी। और पुलिस 100% हमारे साथ है, पुलिस को पैसा चाहिए, हमने फुल पैसा खिला रखा है पुलिस को, वो बोलते हैं, मैं नहीं बोल रही ऐसा, वो बोलते हैं मेरे को ऐसा बार 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 बार। और कई दिन पहले ये आरोपी जो है मेरे घर पर आया और इसने मेरा इतना बुरा हाल किया, रेप करने की कोशिश की, मेरे कपड़े तक फाड़े, लेकिन जब मैंने पुलिस को बोला कि मुझे आपकी मदद चाहिए, उन्होंने कहा कि समझौता करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं, आपको ले आते हैं सारे, तो मेरे जी पुलिस ने कुहाड़ तोड़े बिल्कुल बुरी तरह, फिर मेरे को चप्पल भी नहीं ढंग से पहनने दी, एकदम मेरे को ले गए, और ले जाने के बाद मेरा इतना बुरा हाल किया, वहाँ पे फ़ोन छीनना, ना किसी के पास फ़ोन करने दिया, कानूनी सहायता तो दूर की बात है, और फिर कई जगह मेरे साइन करवाए पिट पिट के, मार मार के, और मैं मजबूरी में चुपचाप, और कोई चारा ही नहीं था, फिर रात को पता नहीं कहाँ लेके गए मेरे को, 12-1 बज गया, जैसे मैं बेहोश थी, मुझे नहीं पता क्या किया, कहाँ लेके गए, बट मैं उचाड़ा में नहीं थी, मेरे को इतना पक्का पता है। फिर कहीं पे मेरे को बंद किया इन्होंने, मेरे को एक अन्न का दाना भी खाने के लिए नहीं दिया इन्होंने। आपको कितने घंटे मेरे को जैसे लेके गए थे दोपहर के आसपास, फिर मेरे को रात को भी रखा, अगले दिन भी दोपहर 1 बज चुका था, क्योंकि मैंने जो मेरे पास वाली कोई पोछे मारने वाली औरत थी उससे पूछा था कि बैंड टाइम कितना हो गया, वो शायद 1-1 बज चुका था, उसने बोला था कि 1 बज चुका। उसके बाद मेरे को फिर वहाँ से लेके गए, फिर मेरे को ये SDM ऑफिस में लेके आए, वहाँ पे काफ़ी लोग थे, फिर मैंने वहाँ पे आके थोड़ा जान में जान आई कि अब शायद इनके चंगुल से निकलने का मेरे को मौका मिलेगा। मजिस्ट्रेट के सामने तो दूर की बात, SDM के सामने भी नहीं, ना मेरे बयान करवाए, ना मेरे को पेश किया, मेरे को बुरी तरह टॉर्चर करते रहे, ना मेरे को गिरफ्तारी का कारण बताया, ना एक तिल के दाना जितना अन्न का दाना भी मेरे को खाने के दिया, खाने के लिए भी नहीं दिया।
और अपनी सारी चोटें मैंने पुलिस को अच्छी तरह से दिखाई थी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ एक परसेंट भी ध्यान नहीं दिया। और रेप करने आए उस आदमी के बारे में बताया, लेकिन एक भी नहीं सुनी मेरी, एक परसेंट भी। और फ़ोन तो उसी वक्त छीन लिया था ना मेरे घर पर, 24 घंटों तक इन्होंने इन्फॉर्म किया, 1% भी इन्होंने सूचना देनी सोची ही नहीं। जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा क्राइम कर रखा है, और ना मेरे को कारण बताया कि मेरे को क्यों लेके आए यहाँ पे, कारण क्या है, मेरा कसूर क्या है। बस मेरे को कम से कम मेरा कसूर तो बताते, पिटने की धमकी दे दे के साइन करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ, फिर मैंने अपनी चोटें भी दिखाई, फिर मैंने कहा भी मेरी MLR तो करवा दो, मेरी डॉक्टरी करवा के लाओ। कहती मेरे पास है, मैं हमने रात को करवा दी थी तेरी। आप दिखा सकते हो? अभी ये हल्की पड़ गई है क्योंकि कई दिन की बात हो गई है। अब ये देखिए थोड़ा बहुत है 19-21, थोड़ा बहुत यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा बहुत मिलेंगे आपको। ये किसने मारी? पुलिस ने मारी है? नहीं, ये चोट किसने मारी है? पड़ोसी ने मारी थी मेरे को, और मैंने पुलिस को दिखाई भी थी ये चोटें अपनी सारी। तो मतलब पुलिस से प्रशासन ने आपको ये नहीं बताया कि किस वजह से आपको? 1% भी नहीं बताया कि तेरे को किस लिए उठाया, क्या तेरा कसूर है, क्या तू उनके साथ क्या लड़ती है, क्या करती है, और मैं कैसे लड़ूंगी, किस दम पे लड़ूंगी, मेरा एक छोटा सा बेटा है। ये दोनों पड़ोसी इतने खूंखार है, इतने लोग हैं इनके घर में, इनके छोटे बच्चे भी KVS में पढ़ते हैं। यदि मैं एक शब्द भी बोलूंगी तो ये मेरी वीडियो नहीं बनाएंगे क्या, छोड़ देंगे क्या मेरे को? अच्छा, आपने इनके खिलाफ FIR करवाई है? मैंने कई सारी पहले एप्लीकेशन दी, सिंपल तो क्या, मैंने कहा भी इनको हटा लो। फिर मैंने उसके बाद जब ये नहीं हटे कि बढ़ता ही चला गया इनका आतंक मेरे ऊपर, तो फिर मैंने पुलिस में एप्लीकेशन दी, फिर मैंने मेल भी की, उसके बावजूद बाय हैंड भी दी, सारे काम किए मैंने, लेकिन 1% भी मेरी कोई 1% भी सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल भी किसी भी तरह की। और उल्टा मेरे को ही उठा के ले गई पुलिस, और बुरी तरह मेरे को टॉर्चर किया इन्होंने, मेरे कपड़े फाड़े, रेप करने की कोशिश की, लेकिन मेरी तो 1% भी नहीं सुनी। महिला होने के नाते भी उसने 1% भी यूँ नहीं सोचा कि किसी गरीब विधवा का श्राप तो सह देगा हमने, और इसको नहीं कुछ भी होकर। पुलिस प्रशासन अधिकारी के पास गई है उसके बाद? मैं IDM साहब के पास गई थी, IDM साहब ने मेरी सुन तो अच्छी तरह से ली, लेकिन उसके बाद भी मेरे को उठा लिया उन्होंने, खुद अपने दस्तखत करके पुलिस में मेरी वो जो थी। अब मैं शांत हो जाओ, एक मिनट रो मत, आराम से बताओ। जो ईमेल की थी मैंने वो LDM साहब ने खूब अच्छी तरह से देखी, उसमें रिकॉर्डिंग भी थी पड़ोसी की गंदा बोलते हुए की, सारा सब कुछ था। लेकिन पेन ड्राइव? पेन ड्राइव नहीं दी थी, उसमें रिकॉर्डिंग डाली हुई थी जैसे भी ईमेल के जरिए भी, ताकि SHO के पास सीधी पहुंच जाए और वो सुन सके। और वैसे भी सारे पुलिस प्रशासन ने उसको मेरे फ़ोन से सुन लिया था खूब अच्छे से, और उनके पास भी पहुंची हुई थी, वो हमने पहुंचा दी थी ताकि ये सुन के तो कम से कम संज्ञान। रिकॉर्डिंग आपके पास उनकी? मेरे पास है, और मैंने कल IG साहब के कहने के बाद कल वो पेन ड्राइव और एप्लीकेशन दोबारा SHO साहब से मिलने गई, तो SHO साहब नहीं थे, तो वहाँ पे जो और कर्मचारी थे उनको मैं दे करके आई, लेकिन 1% भी कोई उनकी FIR नहीं, कोई कुछ नहीं। और पड़ोसी तो घूमेंगे क्योंकि उनको पुलिस का खौफ 1% भी है ही नहीं, वो तो बेखौफ घूम रहे हैं मेरे, ताड़ियां बजा रहे हैं, हाँ हमने जेल करवा दिया, आगे भी करवाएंगे, क्या कर लिया हमारा, हमने पैसे गिला रखे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा आप ये बताओ, कितने साल हो गए आपके पति को एक्सपायर हुए? मेरे पति 2002 में गुजरे थे। अच्छा, 2002 में गुजरे थे। हाँ जी। तो आप हाँ, मैं इतने सालों से यही हूँ, थोड़े बहुत दिन वो अलग बात है कि बच्चा छोटा था, जैसे मान लो साल दो साल, चलो भी अपने माँ बाप के पास कहाँ जाएगा इंसान, या पियर या सासरा। ये आपका जो खुद का प्लॉट है जिसमें आप रह रहे हो? मकान? हाँ जी। रजिस्ट्री भी इसकी? हाँ, खुद है, मेरी सास के नाम रजिस्ट्री है इसकी। मैम अभी आप पुलिस प्रशासन या फिर पड़ोसियों के खिलाफ क्या चाहते हो, मतलब क्या कार्रवाई? मैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती, बस मेरे को न्याय चाहिए कम से कम। मुझे पुलिस से क्या मतलब है, ना कोई लेना ना कोई देना, ना इतने सालों से। अच्छा, सिंगल कंप्लेंट तो होती, यदि मैं खराब थी तो मेरे खिलाफ पुलिस प्रशासन में पूरे उच्चारण में कोई एक सिंगल कंप्लेंट तो होती, कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी मेरे खिलाफ आपको। और इन्होंने मेरे को इतना दुखी किया, बट इनके खिलाफ 1% भी कोई
एक्शन ही नहीं हुआ। एक्शन होगा कैसे, इनको तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, इनको खूब अच्छे से प्यार प्यार से बोल रहे हैं, वहाँ पे बार बार बुला लेते हैं, कोई नहीं होता वहाँ पे समझौते के लिए, कुछ नहीं, कोई 1% भी कोई नहीं होता मेरे को पूरा पूरा दिन बिठा के। डीएसपी साहब ने मेरी खूब अच्छे से सुन ली, बात सुन ली, ठीक है 5-7 मिनट लगे होंगे। उसके बाद भी मैं शाम 5 बजे तक उसी ऑफिस में बैठी रही, मैडम आएगी मैडम आएगी। मैंने तो समझा मैजिस्ट्रेट के सामने मेरे बयान करवाएंगे क्योंकि इन्होंने मेरे को उठा लिया था, लेकिन कहाँ की मैडम कहाँ की, कुछ कुछ नहीं, कोई भी आया। फिर बाद में 2-3 जेंट्स आए, पुलिस वाले कहते हमारी गाड़ी में बैठ जा और हम ऐसा चौबीस में ले चलते हैं। मैंने कहा ऐसे मैं नहीं जाऊँगी 1% भी, पहले तुमने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर लिया। कहते कोई बात नहीं, रात गई बात गई, वो सब तो भूल जा, हम तेरे भाई हैं, भाई तो मेरा SHO भी बन जाता, देखो उसने मेरा क्या हाल किया। अच्छा आप ये बताओ, मैं फिर किसी लेडीज को लेके वो गया, मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ, बच्चे पढ़ाती हूँ, अपना गुजारा करती हूँ और क्या करूँ। हाँ जी मैं, हाँ जी मैं बच्चों पढ़ाती हूँ और अपना, मैं अपना बच्चे पाल पढ़ा के अपना गुजारा कर रही हूँ।